वैसे एक बात तो है आशा, इस इलाके में बारिश बड़ी जोरदार होती है ना। आशा मैं जानता हूं कि तुम यहाँ के बहुत खुश नहीं हो, लेकिन आशा समझने की कोशिश करो, मुझे प्रमोशन मिला है, सीनियर इंजीनियर बन गया हूं मैं। मुझे कब से ऐसे मौके की तलाश थी, जानती हो प्रोजेक्ट मेरे लिए कितनी बड़ी चीज है। आशा थोड़ी दिन एडजस्ट कर लो ना प्लीज। देखो एक बार मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया ना, थोड़ा सा सेटल हो गया बस, हम लोग अपने शहर वापस चले जाएंगे, फिर मैं हफ्ते में एक दो बार ऐसे ही अप डाउन कर लिया करूंगा। दैट्स इट। आस्कर सर, मुझे बनाने के लिए कुछ भी मत बोलते रहो, रहने के लिए जगह भी तो देखो। जी गेस्ट हाउस। बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ तो खाना दे दो यार प्लीज। अरे वाह, अभी तो तुम कह रही थी दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता, देखो कोई लोग हमसे मिलने भी आ गए। समीर देखने तो दो यार, क्या हुआ आप? क्या बात है? मेरी बीवी को बचा लीजिए साहब, उसकी तबीयत बहुत खराब है साहब, पास ही एक अस्पताल है साहब, वहां तक पहुंचाने में मेरी मदद कर दीजिए साहब। इतनी रात हो रही है और कोई बस या गाड़ी भी यहाँ नहीं मिल रही साहब। देखिए हम आ जाए हैं, हम किसी को नहीं जानते, आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार तो होंगे ना, आप उनसे जाके मदद मांगिए। इतनी रात में मैं किस किस का दरवाजा खटखटाऊंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे सामने, अपनी माँ की ऐसी तबीयत देखकर बहुत घबरा रहे हैं मेरे साहब, मेरी बीवी को बचा लो मेरे साहब, वो मर जाएगी। चलो समीर। आशा हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तुम दरवाजा बंद करके सो जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके चलिए, ध्यान से जाना समीर। ये सीधे रास्ते पे ही जाना है? जी साहब, जल्दी चलिए साहब। गाड़ी को क्या हुआ? ये दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे? ये बुलडोजर इसी तरफ आ रहा है, ये बुलडोजर बिना ड्राइवर के चल रहा है, ये कैसे? ये तो इसी तरफ आ रहा है, अरे दरवाजा खोलो ये। अरे अरे कोई रोको, अरे इधर ही आ रहा है ये, अरे अरे हम लोग गाड़ी में हैं, अरे अरे रुक, अरे रुक, अरे क्या कर रहे हो?
कि बुलडोजर चलाने वाला इसके जैसा कैसे लग सकता है? नहीं नहीं, ये डर की वजह से ऐसा लग रहा होगा। जान बच गई। साहब जल्दी चलिए ना, बहुत देर हो रही है। यहाँ पास ही मेरा घर है। अरे ये अचानक गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई? ये घर इस आदमी का तो नहीं हो सकता। ये घर मेरा नहीं है साहब, मेरी बीवी यहाँ काम करती है। मालिक बाहर गए हैं तो हमें रखवाली के लिए छोड़कर गए हैं। आइए ना साहब। नहीं, तुम अपनी बीवी को खुद ही ले आओ, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। साहब मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है साहब, मैं अकेला उसे किस तरह नीचे लाऊंगा? तो आप मेरे साथ चलिए साहब, मेरी मदद कीजिए। आइए साहब। आइए साहब, वो यहां ऊपर है। आइए ना साहब। ये आपके हाथ में मोमबत्ती कहां से आ गई? पहले तो नहीं थी। यहाँ की बिजली जिंदगी की तरह है साहब, कोई भरोसा नहीं कब चली जाए, इसलिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। आइए साहब। सुनीता, सुनीता देख मैं साहब जी को बुला लाया, अब तू बच जाएगी, तुझे कुछ नहीं होगा। चल चल सुनीता। सुनीता ये बोल क्यों नहीं रही? साहब जी मेरी सुनीता बोल क्यों नहीं रही? देखिए ना साहब इसे क्या हो गया साहब, मुझसे बात भी नहीं करी साहब। ये तो मर चुकी है। अरे हमें पुलिस को फोन करना होगा। अरे भाई साहब आप, अरे भाई!
अंकल मुझे बचा लो अंकल, अंकल मुझे बचा लो अंकल। कल रात की बात को लेके अभी भी परेशान हूँ। पता नहीं आशा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सच था या फिर कोई बुरा सपना। देखो समीर, जो चीज नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। अब ये सब बातें छोड़ दो, आप बहुत थके हुए थे और उस औरत को मरा हुआ देखकर अब घबरा गए। जाने दीजिए इन सब बातों को, ये सब सिर्फ आपका वहम है। शायद तुम ठीक कह रही हो, ये सब सच नहीं हो सकता, ये जरूर मेरा वहम ही होगा। समीर छोड़िए ये सब बातें और अब सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इस अनजान जगह पर आपको किसी की भी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके हेलो सर, मैं साइट इंजीनियर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सर। इमरजेंसी है, एक एक्सीडेंट हो गया है, एक वर्कर के ऊपर से गिरकर मौत हो गई है। क्या? हाँ सर, प्लीज आप जल्दी से साइट पर आ जाइए। हाँ मैं अभी आता। क्या हुआ समीर? हाँ साइट से फोन था, मुझे अभी पहुंचना होगा। पर मैं सर आप इतनी जल्दी साइट पर? नहीं मेरा मतलब है सर, आप कल रात को ही तो आए, थोड़ा आराम करके आ जाते। मैं बस ऐसे ही इंस्पेक्शन करने आ गया था। सब ठीक चल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लान के मुताबिक काम चल रहा है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने मुझे फोन किया था यहाँ से, कोई इमरजेंसी हो गई? फोन? नहीं सर, मैंने आपको कोई फोन नहीं किया। यहाँ पर किसी के पास आपका नंबर भी नहीं है, वैसे भी सर आपको बुलाने जैसी कोई बात भी नहीं थी। ठीक है, तुम जाके अपना काम करो। जी सर, आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी प्लीज मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स। यहां तो मैं कल आया था, ये अचानक सब बदल कैसे गया?
अंदर जाके देखना होगा। क्या मैं कल रात यहीं पे आया था? ये वही घर है? एक दिन में ये बंगला इतना कैसे बदल सकता है? कल रात को तो ये बिल्कुल ठीक था और आज तो एकदम वीराना लग रहा है। मुझे एक बार अंदर जाके देखना चाहिए। ये तो अंदर से भी पूरी तरह से बदल चुका है। रात ही रात में ऐसा क्या हो गया यहां पे? कोई है? हेलो, कोई है यहां पे? तुम कौन हो? ये तुम मुझे बताओ, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए, आप जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ का नया सीनियर इंजीनियर हूँ। मेरा नाम समीर है। कल रात को मेरे घर पे एक आदमी मदद मांगने के लिए आया। उसने कहा कि उसकी बीवी की तबीयत खराब है और वो मुझे इस घर में लेके आया। उसकी बीवी वहां ऊपर वाले कमरे में थी। हम दोनों जब वहां पे गए तो देखा कि हमारे पहुंचने के पहले उसकी बीवी मर चुकी थी। मैंने मुड़के जब उस आदमी को बताना चाहा तो देखा वो आदमी वहां नहीं था। फिर देखा तो उसकी बीवी की लाश भी नहीं थी। मैं डर गया और वहां से नीचे भाग के जब मैं यहां पे आया तो देखा यहां पे दो बच्चे थे और वो भी अजीब सी हालत में थे। मैं आज ये पता लगाने आया हूं कि मेरे साथ कल रात जो कुछ भी हुआ वो वहम था या सच। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना, आप कौन है? मैं इस घर की रखवाली करता हूं, लेकिन आप जो हादसा बता रहे थे वो हुआ था। कल रात को नहीं, कुछ 3 साल पहले हुआ था। तब ये घर बिल्कुल महल जैसा लगता था और आज खंडहर बन चुका है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूं। अपने पति की मौत की खबर सुनकर एक औरत ने अपने बच्चों को जहर देकर मार डाला। उनमें से कोई नहीं बचा। तब से यह घर ऐसा ही है। यहां कोई नहीं आना चाहता। इस घर का मालिक भी नहीं। बस कभी कभी मैं आ जाता हूं चेक करने के लिए। सर, you
कौन हो तुम लोग? मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? मुझे मुझे छोड़ दो। क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए मुझसे? जाने दो। क्यों मेरे पीछे पड़े? साहब, क्या हो गया साहब? क्या हो गया आपको? आप किससे बात कर रहे हैं साहब? यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हो गया साहब? क्या हो गया आपको? यहाँ तो कोई नहीं है साहब। आप किससे बात कर रहे हैं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.